करें एक दो स्टेप कर ली आज होंगे। सर इतना कर लिए, 2 × 1 + cos² 2a, हाँ अच्छा, cos टू ए मैं स्क्वायर लिख रहा नहीं, हूँ, और टू कॉमन ले लिया तो 1 + cos 4 थीटा हो गया ये, हाँ और आगे स्टेप में क्या आ गया, 2 आ गया प्लस अंडर रूट में 2 इंटू, ये हो गया 2 cos² 2 थीटा, हाँ फिर अंडर रूट में 2 प्लस, अब ये चीज आ जाएगी मॉड में, क्या आएगी 2 cos 2 थीटा, ठीक है ना। अब क्योंकि ये रेंज हाँ दे सर रखा है तो हम इसको चीज को मॉड में रख लिए, अब हम इसको देखेंगे कि प्लस है कि माइनस है, इसलिए हमने इसको पहले मॉड में रख लिया, ठीक है ना। इस वैल्यू से लिखा 2 2 4 होगा 2 होगा, cos² का cos हो गया। अब देखें कि हमें थीटा गिवेन है 0 से π/8 के बीच में, तो हमारा एंगल यहाँ पे तो 2 थीटा है, तो हमें तो 2 थीटा से मतलब है, तो 2 थीटा हाँ क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लाई कर दें पूरे में, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो कितना हो जाएगा, π/4 16, अच्छा 6 × 4, मल्टीप्लाई करें, डिवाइड मल्टीप्लाई, समझ में आ रहा है, सही हाँ सर है, सही कह रहा हूँ। हाँ सर ठीक, तो हमने कहा कि 2 थीटा से हमें मतलब है, तो हमने 2 थीटा की रेंज देखा तो 0 से π/4 के बीच आ रहा है, तो 0 से π/4 की बात करें और है cos 2 थीटा, तो cos 2 थीटा जो 0 से π/4 है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है, हाँ, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos कैसा होता है, पॉजिटिव में पॉजिटिव, पॉजिटिव होता है, तो मतलब ये जो वैल्यू आनी है प्लस आनी है, तो फिर कोई टेंशन नहीं है, इसको हम आगे यहां से बढ़ जाएंगे, तो क्या लिखेंगे, ये जो मॉड के अंदर वैल्यू है ये होगी 2 cos 2 थीटा, था। समझ में आया। हाँ सर, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे, तो फिर से जब सॉल्व करेंगे तो 2 कॉमन ले लेंगे, ये बनेगा 1 + cos 2 थीटा, तो 2 थीटा, फिर से अंडर रूट और 2 × 2 हाँ cos स्क्वायर cos² थीटा, थीटा, अब फिर तो से टू रूट आया, कॉस स्क्वायर थीटा है तो 2 cos थीटा, और मॉड में वैल्यू आएगी, ठीक है। अब थीटा देखेंगे कहां से कहां की बीच की बात हो रही है, 0 से π/8 है, इस बार थीटा हम देख रहे हैं थीटा, और कहां से 0 से π/8 कौन से क्वाड्रेंट में हाँ है, फर्स्ट, फर्स्ट में, ये जब π/4 ही फर्स्ट में था तो π/8 उससे भी छोटा है ना, मतलब 45 का भी हाफ, ये कितना हो गया, 22.5 डिग्री हो गया हाँ है ना, 22.5 ही आएगा, तो प्लस ही होगा, तो ये इसकी वैल्यू कितनी आएगी, 2 cos थीटा आ जाएगी, ठीक है। सर मॉड का एप्लीकेशन देखा यहाँ पे हमने, अब हम इसका अगला केस लेंगे जो इसमें हमें कुछ और चीजें पता चलेंगी, नोट कर लीजिए यहां तक कर कर लिए। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा यहां से हटा देता हूँ और यही इसी पेज में बताने की कोशिश करते हैं ताकि बढ़िया से समझ में आए। चलिए अब सेम क्वेश्चन में यदि हमें इंटरवल ये दिया, ये हमने फर्स्ट लिया था सेकंड ले लेते हैं, यदि इंटरवल हमें कुछ और दिया होता, जैसे हम मान लेते हैं कि थीटा हमें गिवेन होता 0 से π/2, थीटा कितना होता 0 से π/2, टू ठीक है, तो यही क्वेश्चन सेम, तो हम सॉल्व करते सॉल्व करते सॉल्व करते कहां तक सॉल्व करते, इस स्टेप तक सॉल्व करते, अब मॉड यहां पे आ रहा है इस वाले लाइन पे, ठीक हाँ है ना, यहां तक तो हमें कोई दिक्कत ही ना होती, इसी स्टेप पे आके हम यहाँ पे इसका मॉडुलस आ जाता है और डिसाइड करते, तो इसी को हम यहाँ पे ले रहे हैं और सॉल्व करने की कोशिश करते हैं कि क्या आंसर बन सकता है, हमने इसको लिया हाँ मॉड 2 cos 2 थीटा, ठीक है। अब थीटा की रेंज ये है तो 2 थीटा क्या हो जाएगा,
टू थीटा की रेंज होगी कहां से कहां तक? टू थीटा हो जाएगा, थीटा जीरो थीटा से लेके थीटा तक। पाई तक, हाँ वही पाई तक, सॉरी। पाई तक है ना, टू का मल्टीप्लाई कर दिया तो जीरो से पाई तक हो गया। अब जीरो से पाई तक में यदि हम देखें तो कितने क्वाड्रेंट आ रहे हैं? 180 तक दो ही क्वाड्रेंट आ रहे हैं। दो क्वाड्रेंट हो जाएंगे, दो क्वाड्रेंट हो जाएंगे तो मींस दो वैल्यू यहां पे आएगी, हाँ आएगी ना, दो क्वाड्रेंट हो रहे हैं। दो वैल्यू हम क्यों कह रहे हैं कि यहीं पे मान लीजिए साइन होता तो कोई दिक्कत नहीं क्योंकि दोनों प्लस होते हैं, लेकिन क्योंकि कॉस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्लॉस प्लस नेगेटिव, होगा लेकिन सेकंड सेकंड क्वाड्रेंट तो नेगेटिव हो जाएगा। मतलब यहां अच्छा से इसके बन जाएंगे दो पार्ट, समझिएगा दो पार्ट बन जाएंगे। तो एक तो टू थीटा कहां से कहां तक, जीरो से लेके पाई बाई टू तक हम देखेंगे, और एक टू थीटा देखेंगे पाई बाई टू से, पाई बाई टू से लेके पाई तक, हाँ ठीक है। तो जब ये इस रेंज में होगा पाई बाई टू तक मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो ये प्लस आएगा, हाँ मतलब ये हो जाएगा टू प्लस टू कॉस टू थीटा होगा, ठीक है। और इसको हम आगे सॉल्व कर लेंगे, तो आगे सॉल्व करेंगे तो फर्स्ट क्वाड्रेंट है तो आंसर तो यही आने वाला है टू कॉस थीटा। इस पे आप एग्री हाँ हो, एग्री है ना, हाँ सर। ठीक है। लेकिन जब हम सेकंड क्वाड्रेंट में आ जाएंगे तो ये जो वैल्यू हमने प्लस किया है ये बन जाएगी टू माइनस टू कॉस माइनस थीटा, क्या कहते हो आप, सही हाँ है, सर। हाँ ठीक है। अब इसको तो सॉल्व टू करते हैं, साइन थीटा आएगा। अब बदल जाएगा है ना, टू कॉमन ले लेते हैं तो टू कॉमन लेंगे वन माइनस कॉस टू थीटा बनेगा, और वो फॉर्मूला होता है टू साइन साइन स्क्वायर थीटा। स्क्वायर थीटा, ठीक है, बढ़िया है। अब फिर से मॉड तो आ टू जाएगा, मॉड साइन में क्या आएगा, टू साइन थीटा। अब टू साइन थीटा आ गया, अब मॉड चेक करते हैं कि कौन से सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन होता है, साइन कैसा होता है, सेकेंड में तो पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव होता है, मतलब ये प्लस वैल्यू दे देगा हमें यहाँ पे, ठीक है। हाँ यहाँ है समझ में आया हमें कि जब इंटरवल दे देगा कुछ इस तरह का तो यहाँ पे टू कॉस थीटा भी आंसर सही होता है और टू साइन थीटा भी आंसर सही होता है, मतलब दो आंसर सही हो जाते हैं मल्टीपल चॉइस। लॉजिक क्लियर हुआ, क्वेश्चन हाँ सर। भी समझ में आया कि कैसे दो आंसर हो जाएंगे, हाँ बिल्कुल बढ़िया से समझना है इसको, ठीक है ना। अब हम एडवांस लेवल पे पहुंच रहे हैं, बढ़िया लेवल पे, माइंड को ओपन रखिए, समझिए, लॉजिक समझ में आ रहे हैं, हाँ सर। ठीक है सब जी। परसों ही एडवांस का टेस्ट हुआ था। कैसा रहा, अच्छा था सर, बहुत हार्ड क्वेश्चंस था। अच्छा हाँ बताइएगा, उसमें डिस्कस करिए, क्वेश्चंस भेजिएगा, काहे भेजेंगे आप मुझे, टेलीग्राम क्या चलाते हो आप, हाँ सर, टेलीग्राम चलाते हैं। टेलीग्राम है, हाँ तो सर। टेलीग्राम में मेरा आईडी सर्च करिए मिल जाएगा, तो अविनाश पटेल नाम से, नहीं तो आपका क्या है, मैं सर्च करूंगा। हम मतलब नंबर बता दे। अच्छा नंबर है, ठीक है नंबर ही बता हाँ दीजिए, व्हाट्सएप भी करते हैं चलाते हैं, हाँ सर। व्हाट्सएप देना तो व्हाट्सएप में शेयर कर दीजिएगा, मेरा नंबर ये है अच्छा 9399591847, इस पे शेयर कर हाँ दीजिए। कब हुआ था, हाँ परसों सर। हुआ था, हाँ सर, परसों हुआ था और अभी 25 को भी है, बट मेंस का है तो अच्छा आज रिजल्ट, प्रैक्टिस है रिजल्ट इसका। आया नहीं सर, अभी तक तो नहीं नहीं आया, आया, और अच्छा ठीक है चलो, आज भी प्रैक्टिस टेस्ट लिया जाएगा। आज प्रैक्टिस टेस्ट, ठीक है हाँ बढ़िया है, अच्छा है, टेस्ट होंगे जितना ना उतना मजा आएगा करने में क्वेश्चंस, हाँ ठीक है नोट कर लीजिए इसको, कर दो, ठीक कर लिए सर। है चलिए आगे करते हैं और क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन ये है, 4 sin to the power 4 alpha plus sin
स्क्वायर टू अल्फा अंडर रूट माइनस फोर कॉस स्क्वायर पाई बाई फोर माइनस अल्फा बाई टू। ये क्वेश्चन और इसमें गिवन है इफ अल्फा बिलोंग्स टू 0 to π/2। 0 to π/2 मीन्स कौन से क्वाड्रेंट की बात कर रहा है? 0 to क्या है? पाई बाय 2 हाँ, फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट की सॉल्व करने की कोशिश करिए। तो टू साइन सर शुरू कहाँ से करें? शुरू। हाँ देखिए, ये है 4 sin टू द पावर 4 अल्फा। इसको हाँ यदि मान ले स्क्वायर नहीं है यहाँ पे, तो ये साइन 2 अल्फा दिख रहा है, हाँ मतलब इसको साइन 2 अल्फा का स्क्वायर है ये, है ना? लिख सकते हैं ना, साइन भी हाँ स्क्वायर, बाहर भी लिख सकते हो आप इस एंगल से। हाँ तो साइन 2 अल्फा का फॉर्मूला उसका स्क्वायर कर देते हैं, तो मीन्स क्या बन जाएगा, 2 sin α cos α और उसका स्क्वायर मीन्स 2 का हो गया 4, हाँ साइन अल्फा का साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस अल्फा का कॉस स्क्वायर अल्फा। ठीक हाँ है, अच्छा इसको हम लिख लिया 2 into 2 cos² π/4 - α/2। इसमें क्या दिख रहा है आप बताइए, इसमें क्या समझ में आ रहा है, क्या करना चाहिए? सर 4 sin कॉमन ले लें कुछ, कितना हाँ 4 कॉमन ले लेते हैं कॉमन ले लें, 4 पर, तो साइन टू द पावर 4। अच्छा साइन टू 4 sin² सो फाइन स्क्वायर स्क्वायर टू अल्फा। कॉमन ले लें। हाँ ठीक है, तो हाँ यहाँ क्या तो बचेगा हमें, साइन स्क्वायर अच्छा 1 बचेगा सर। 1 बचेगा? नहीं सॉरी, 1 नहीं बचेगा, कितना बचेगा, कितना 1 नहीं बचेगा, साइन साइन स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा बचेगा। ठीक, साइन स्क्वायर अल्फा अल्फा बचेगा, और यहाँ पे और यहाँ बचेगा कॉस कॉस स्क्वायर। स्क्वायर अल्फा, क्या हो गया ये, तो साइन 1 स्क्वायर 1 हो गया है, खत्म हो गया। यहाँ पे देखिए 2 into, ये क्या है, 2 cos² θ, 2 cos² θ, 2 cos² θ क्या होता है, 1 प्लस 1 cos 2a टू मतलब टू थीटा थीटा इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा, π/4 बन जाएगा, π/2, हाँ, और α/2 बन जाएगा अल्फा। अल्फा। आप कुछ ठीक ठाक दिखने लगा है ना, राहत मिल गई, ये तो पूरा हाँ नहीं हो गया। और ये 4 sin² α बाहर आएगा तो क्या बन जाएगा, 2 sin α बस और मोड वन लगा होगा। दें, मोड लगा ले, इंटरवल दिया हुआ है, हालांकि वो प्लस हाँ होने वाला है, कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसमें क्या कर दें, देखिए इसको ओपन कर लें, हाँ -2, और इसको ओपन करिए कितना हो जाएगा, -2। अच्छा अल्फा ये सॉरी हाँ कॉस 90 माइनस थीटा कितना हो जाएगा, साइन साइन अल्फा साइन अल्फा। हाँ ठीक है, और ये प्लस ही होने वाला है क्योंकि हाँ अल्फा 0 से π/2 है, प्लस ही हाँ होने तो से फर्स्ट आंसर कॉल कितना आ गया, 2 sin α टू ये तो प्लस है और ये है माइनस है, ये प्लस है माइनस है, हाँ कैंसिल तो कर दो यहीं पे, कितना अच्छा हाँ, आ गया, क्वेश्चन -2। कितना खतरनाक और आंसर कितना खतरनाक, 3 स्टेप में सॉल्व हो गया, हाँ है ना? नोट कर लीजिए, हाँ आसान क्वेश्चन है लेकिन इम्पोर्टेंट है ये भी, क्योंकि इसमें समझ में नहीं आता शुरू कहाँ से करें, ऐसे क्वेश्चन हमें बार बार रिवाइज करने हैं, कर लीजिए।
हाँ सर, कर लिया। अब इसी क्वेश्चन में यदि हमें रेंज मान लीजिए ये गिवन है सेकेंड, इफ अल्फा कहाँ से कहाँ तक, पाई से 3 पाई, पाई से लेके 3 पाई/2 गिवन है, तो क्या बनेगा? सेम क्वेश्चन, तो सब सॉल्व करते जाएंगे, कहाँ पे अटकेंगे हम? इस वाले स्टेप पे अटकेंगे, इस वाले पे, हाँ सही है बोलिए, है ना, जहाँ मॉड डिसाइड कर रहा है इसी पे आके रुकेंगे और चेक हाँ करेंगे सर, कि क्या चेंज हो रहा है, चेक करते हैं। तो अल्फा कौन से क्वाड्रेंट में पहुंच गया है अब? 3π/2 मतलब 270 डिग्री, तो थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट में, और थर्ड में तो साइन क्या नेगेटिव होता है? नेगेटिव। नेगेटिव। तो ये पहली वाली वैल्यू ऐसा हो जाएगा क्या? हाँ सही लिखा है, हाँ -2, सर, और लास्ट में -2 sin α तो चल ही रहा है। तो अब हमारा तो आंसर माइनस क्या फोर जाएगा? साइन अल्फा -4 -4 साइन अल्फा। -2, ये आंसर बन जाएगा। एग्री हो इससे, है हाँ सर। ना? ये भी मल्टीपल चॉइस हो गया, बातें हाँ समझ में आ गई? चलिए नोट कर लीजिए। लिए एक क्वेश्चन है ये, इफ एक्स बिलोंग टू पाई टू 2 पाई, एक्स बिलोंग टू पाई टू 2 पाई, फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट 1 प्लस कॉस एक्स प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस कॉस एक्स, और डिवाइड में गिवन है पाई सर, वैल्यू कहाँ से कहाँ दिया है? अच्छा से 2 पाई, पाई हाँ से 2 पाई, हाँ सर, ये क्वेश्चन है। कर लेंगे इसको हम, ये बन आसान है ना ये जाएगा। तो। ये 1 प्लस cos θ हो गया, तो क्या आएगा? हाँ, तो 2 cos² x/2। अंडर रूट हटा के लिखें तो क्या लिखेंगे? अंडर रूट हटा के लिखें तो चलो लगाए रह देते हैं, अच्छा चलिए लगा ही लेते हैं, लगा लेते हैं, ठीक। क्या लिखेंगे? 2, 2 cos² x/2, ठीक है, और यहाँ पे 2 sin² a/x/2। ठीक है, और नीचे यहाँ पे क्या लिखेंगे? सेम चीज, हाँ सेम चीज। सेम, यहाँ माइनस और यहाँ भी यही बात हम लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हमने कन्वर्ट कर लिया। अब ये देखे तो रूट यहाँ भी है, √2, इसको अब हम रूट हटाएंगे तो कॉस स्क्वायर, तो cos x/2 हो जाएगा, सेम नीचे sin x/2 sin x/2, लेकिन ये √2 √2 √2 √2 हर जगह बच रहा है, तो क्या ऊपर से नीचे से जाएगा कैंसिल कर दें, कॉमन कॉमन लेके। लेके कैंसिल कर दें, है ना, पूरे कट गए चारों √2 कट गए, तो हाँ क्या बच जाएगा? मॉड में बचेगा cos प्लस x/2 प्लस, sin x/2। मॉड में ही है ना, हाँ और नीचे cos x/2 और माइनस साइन, sin x/2। ठीक है, बाकी रेंज देख के इस पर डिसाइड कर लेंगे क्या बन रहा है। तो पाई से 2 पाई गिवन है, पाई से 2 पाई मतलब 2 क्वाड्रेंट हो जाएं, थर्ड और फोर्थ। एक थर्ड और एक फोर्थ, तो दो कंडीशन लेके चलेंगे। एक बार हम ले लेंगे पाई से लेके 3π/2, है ना, हाँ उसकी टू कंडीशन, सेवेंटी थर्ड क्वाड्रेंट में देखेंगे तो ये भी माइनस, कॉस भी माइनस, साइन भी माइनस, सारे माइनस, हाँ क्या कहते हो? सही तो है सब ना, माइनस माइनस। ये भी माइनस होगा, ये भी माइनस हाँ होगा, और ये भी माइनस होगा, तो ये प्लस हो जाएगा हाँ यहाँ पर, ठीक लिखा है। अब इसको कैसे सॉल्व हाँ करेंगे? सर, इससे माइनस कॉमन ले लेते हैं ऊपर से, दोनों माइनस हाँ हैं, और इधर एक माइनस है, इसको पलट के लिख देता हूँ, अच्छा नहीं लग रहा है ना, इसको मैं ऐसा लिख हाँ देता हूँ, साइन x/2
प्लस कॉस एक्स वाई टू, और नीचे क्या बन जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, मतलब कॉस प्लस में हो जाएगा, कॉस एक्स वाई टू माइनस साइन एक्स वाई टू। ठीक है, चलिए ऊपर वाला भी वैसे लिखना, पर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब देखिए दिया, अब ये क्या बन रहा हाँ है, इसको यदि हम कॉस एक्स वाई टू से डिवाइड कर दें, ऊपर भी नीचे भी, ऊपर ये डिवाइड हाँ करेंगे तो ये कॉस एक्स वाई टू, कॉस एक्स वाई टू वन बन जाएगा, हाँ और साइन वाला क्या बन जाएगा, टेन एक्स बाय टेन टू एक्स हाँ वाई टू, और नीचे ये वन माइनस टेन एक्स वाई टू। टेन एक्स बाय टू हाँ ये याद आया, कल परसों की भी क्लास में आया था, कॉस इसका फॉर्मूला बन हाँ जाता सर है ये कॉस एक्स बाय टू टेन 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 पाई बाई फोर माइनस, सॉरी प्लस हाँ एक्स वाई टू, टेन पाई बाई फोर हाँ प्लस थीटा का फॉर्मूला बन गया, टेन हाँ पाई बाई फोर वन हो जाता है, याद आ गया। जब भी वन प्लस टेन वन माइनस टेन आएगा तो हमें यह ध्यान आ जाना चाहिए कि ये वाला फॉर्मूला है, तो इसका ये आंसर हो गया। अब सेकंड क्वाड्रेंट, दूसरे क्वाड्रेंट वाला चेक कर लेंगे, हाँ बन जाएगा। हाँ सर ठीक है, तो दूसरे क्वाड्रेंट का आप कर लीजिएगा, आपके ऊपर छोड़ रहा हूं। एक गलती करके आ गए दिया हम, क्या सर अब आप सुधारेंगे, अब मैं यहां पे नहीं कर रहा हूं, गलती ये कर दिए हम, ये तो एक्स की रेंज दी थी, हाँ हमारा एंगल यहाँ पे क्या चल रहा एक्स वाई टू है, अच्छा एक्स वाई टू, ये एक्स वाई टू की रेंज देखना था हमें, एक्स वाई टू की रेंज क्या बन जाएगी, एक्स वाई टू की रेंज बन जाएगी पाई वाई टू से लेके पाई, सही है, पाई तक हाँ पाई हाँ वाई टू से सर पाई, मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड, सेकेंड सेकंड हो गया, तो सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड क्वाड्रेंट के हिसाब से, अब चलिए ठीक है कोई दिक्कत नहीं, ये एक मान लिया हमने एक कंडीशन ये ले लिया था, इस कंडीशन के हिसाब से ये बन गया, अब जब सेकंड क्वाड्रेंट में हाँ लेंगे सर तो कॉस निगेटिव आएगा और साइन प्लस ही रहेगा, तो उसको आप कर लीजिएगा, ये सेकंड कंडीशन मान हाँ के, सर मान लीजिए इंटरवल ये दिया पाई बाई टू से पाई, इसको बना लीजिएगा, बन जाएगा कुछ तो आएगा, हाँ सर फॉर्म तो यही बनेंगे, कॉस टेन के ही डिवाइड करेंगे, टेन के फॉर्म में बनेगा, कुछ तो बनेगा, कर लीजिएगा। आगे करते हैं, नोट हो जाए तो बताइए। कर और करते हैं, हम कितने बज गए हैं, 2:20 हो रहे हैं, अभी तो टाइम है, करते हैं जब तक आप क्वेश्चन है, टेन थीटा प्लस, ये कुछ अलग है, देखते हैं क्या है, प्लस टेन 120 प्लस थीटा, और इसकी वैल्यू पूछना है बस, इसको मैं बता देता हूं, आप कर लीजिएगा, कर लोगे आप, इसमें हम करेंगे, इसको छोड़ देंगे खाली, अकेला रहेगा, इसमें हम लगाएंगे टेन ए प्लस बी, इस पे भी लगाएंगे टेन ए प्लस बी, ठीक है, जब ए प्लस बी आप लगाओगे तो ये बनेगा टेन ए प्लस टेन बी, इसमें भी बनेगा टेन ए प्लस टेन बी, नीचे भी कुछ आएगा, तो इसमें हम दो चीज तो हमें पता रहेगी, टेन 60 की वैल्यू पता रहेगी, यहाँ टेन 120 डिग्री की वैल्यू पता रहेगी, हाँ उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, फिर एलसीएम वगैरह ले लेंगे, एलसीएम में लेंगे तो टेन में भी कुछ मल्टीप्लाई होगा, जो भी डिनोमिनेटर होगा पूरा टेन में मल्टीप्लाई होगा यहाँ पे, तो बहुत सारी चीजें कट जाएंगी, कुछ आएगा, हाँ ठीक है, ट्राई करिएगा। अब टेन 60 की हाँ वैल्यू सर कितनी होती है बता दीजिए, रूट टेन 60 की वैल्यू होती है √3 3 होगी, बड़ा एंगल है तो बड़ी वैल्यू, और टेन 180 हाँ की बात करें, टेन 180 की तो कितना वन होता है, एट्टी नहीं का 0 देखिए टेन 180 को क्या लिखोगे, वन सॉरी वन वन अच्छा एट्टी, वन एट्टी वन बोलो, ट्वेंटी हाँ की 120 की, सॉरी माइनस सॉरी, √3 -√3, बोलो -√3 है, बस हो गया, वैल्यू पुट कर लीजिएगा आ जाएगा, ठीक है ना, हाँ सर करिएगा इसको, तो इसको मैं छोड़ देता हूँ, हाँ सर आप करिएगा, हाँ बन जाएगा मुझे लग रहा है।
एक क्वेश्चन ये करते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, चलें आगे। हाँ सर, ठीक है, इसका आंसर सर बता आज दीजिए। क्लास, बोले। सर आज क्लास भी है अच्छा ठीक है, कितने बजे जाना है? तीन सर, 3 बजे जाना है। बजे जाना है, चलिए तो एंड कर दें। ठीक हाँ सर, है चलिए, कोई बात नहीं ना, कुछ बता दिया करिए। चलिए ठीक है, कल मिलते हैं फिर क्लास में। ठीक, हाँ ओके ठीक, ओके थैंक यू सर। ओके ओके।